नमस्कार। बुजुर्ग और बूढ़े लोगों के साथ हमारा क्या व्यवहार है, आज इसी ओर आपका ध्यान दिलाया गया है। बुजुर्गों को मान देना, अपने व्यवहार को अच्छा बनाना, इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, आज इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। लीजिए देखिए। अरे बहू, जरा पानी दे जाना, गला बड़ा सूख रहा है। नहीं बेटी, नहीं बुढ़िया, गला सूखता रहता है, पानी पियेंगे तो हुक्के की फरमाइश हो जाएगी। मरने को आए पर शौक नहीं गए। सुन बहू, जरा हुक्का भी लगा दे। लो लो, देखो बुढ़ाऊ के। अत क्या, हरे रामा। कौन से? हरे हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, हरे हरे, ओ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा। राम राम करते हैं पर राम को प्यारे जाने कब होंगे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे रामा। अरे राम ने तो क्या, आओ भैया, आओ आओ, बैठो बैठो। अरे अरे बहू, अरे अभी हुक्का नहीं हुआ क्या? जम गई महफिल, हुक्म तो ऐसे चलाएंगे जैसे राजा हूँ कहीं। हाँ बहुत 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 बहुत। हाँ नहीं नहीं नहीं, अच्छा 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 अच्छा, देखो 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 देखो, अच्छा पानी 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 बोलते, पानी 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 पानी, नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, मुइया दो लो, आँच दो लो। रहने दे बहू, चुप हो जाएगी, मैं खिलाता हूँ। दूध नहीं पिलाना है, सुलाना नहीं है क्या इसे? काफी, अरे लगा लंबा कर जैसा जवानी में लगाता था। हाँ क्या बात है, अरे परेशान क्यों है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देख राम रतन, मुझसे अपने मन की नहीं कहेगा तो कहाँ जाएगा? बता क्या बात। अब क्या बताऊं शिवलाल भैया, जो कुछ थोड़ी बहुत जमीन थी उसके तो तीन टुकड़े हो गए, तीनों लड़कों ने कर लिया बंटवारा। अब इस बूढ़े की कोई सुने तब ना। और फिर जब दिलों का ही बंटवारा हो जाए तो फिर जमीन का बंटवारा क्या? नहीं नहीं राम रतन, कैसे बात करते हो तुम? कौन कहना चाहता है भैया, मगर किस्मत को धनी हो भैया जो अपने घर में सुखी हो। हाँ भैया, भगवान की दया हो, इस मामले में तो सुखी हूँ। अब देखो वो छोटा सौचन गांव से बहुत दूर रहता है, लेकिन बड़ा किसनुआ अपनी जमीन पर, उसकी जमीन पर, दोनों जमीन पर जुताई करता है। अरे ये तो नसीब की मार समझो जो सूखा पड़ गया, वरना वरना क्या होता शिवलाल, वही होता ना। बैठना बैठ। नहीं बस अब चलता हूँ। अभी तो आया है। हाँ वो छोटे के बच्चे को बुखार है, मन वही लगा हुआ है। भाई लड़के कुछ भी करें, आखिर नाती पोतों का मुंह थोड़े ही छूटता है। बस चलता हूँ भैया। राम राम रतन चाचा। अरे आ गया किसनुआ। हाँ बापू, इस सूखे ने तो काम दुगना कर दिया।
पत्थर हो गई है जमीन। अरे बेटे, जब दिल भी पत्थर हो गया तो जमीन बंजर होगी। अपने बापू से भी पूछ लो, कभी पानी चाहिए तो कभी चाय। इनकी भी तीमारदारी करो और इनके दोस्तों की भी। दिन भर कभी ये लाओ, कभी ये करना बहू, कभी वो करना बहू। अरे तू परवाह क्यों करती है, मुंह पे हाजी हाजी और पीठ पीछे अपने आपे में मत। अच्छा, पूरा दिन तुम्हें रहना पड़े तब पता चलेगा। अच्छा, देवर जी तो गांव छोड़कर चले गए, ससुर जी को तो खाट बहुत अच्छी लगती है, कोल्हू का बैल बनने के लिए तुम जो हो खेत में। अरे ज्यादा बड़बड़ मत कर, मैं भी देख रहा हूँ सब कुछ। एक आध दिन में बात कर ही लूंगा बापू से। हाँ, बात कर ली तुमने एक आध दिन में, एक एक करके पूरी उम्र निकल जाएगी। अच्छा तो ले, अभी ले, अभी बात करता हूँ बापू से। बापू, मुझे मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ हाँ, बोल बेटा, बैठ। क्या बात है बापू? अब ऐसे और नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा रे, बात क्या है? तुम सब कुछ तो समझते हो बापू। अब बात नहीं बताएगा तो पहेलियां हो जाएगा। बात बिल्कुल सीधी है बापू। सोचिन, गांव से दूर रहकर पक्की फसल में हिस्सेदारी लेने आ पहुंचे, ये अब नहीं होगा बापू। हाँ, क्या कह रहा है किशनवा? सोचिन, तेरा छोटा भाई है रे। काम धंधे में छोटा बड़ा नहीं चलता बापू, और फिर वो भी तो बराबर का हिस्सेदार है जमीन जायदाद में। देखो जरा, अरे रहने दो बापू, रहने दो, मैं सब कुछ पहले ही सोच चुका हूँ। देखो बापू, बंटवारा कर दो हमारा, मेरा हिस्सा मुझे दे दो और उसका हिस्सा उसे, और मैं तो अपने हिस्से की बात भी पक्की कर चुका हूँ दलाल से। क्या किशन, तू तू अपने हिस्से की जमीन बेचेगा? हाँ, जो कुछ मुआवजा मिलेगा उससे कोई छोटा मोटा रोजगार कर लूंगा। ठीक है, लेकिन सोचन से बात करनी पड़ेगी पहले। ठीक है, कल ही चले जाओ सोचन के पास। चाहो तो दो चार दिन उसके पास रह भी आना, और फिर बंटवारे के लिए संग ही लेते आना। मैं नहीं चाहता कि कल कोई बात उठे। हाँ, अरे शिवलाल, कहाँ चल रही है गठरी बांधकर? सोचन के पास। सोचन के पास? शहर में सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ही है। क्या बात है? क्या बताऊं रामरतन, जिस आग में कल तुम्हारा घर जल रहा था ना, वही आग मेरे घर को जला रही है। क्या कह रहे हो शिवलाल? अच्छा रामरतन, चलो। हाँ, घना सूखा पड़ रहा है रे। सोचन इधर कहाँ रहता है? देखो वो जो झोपड़ी है ना, वो सोचन ही की है। लेकिन क्या काम है सोचन से? भैया हम गांव से आए हैं, सोचन हमारा बेटा है। अरे चाचा,
अरे आओ ना बैठो। नहीं अब उधर ही। अरे नहीं ना मैं बुला देता ना वहाँ से। अरे ओ सोचन, ओ सोचन देख तो कौन आया। आओ चाचा। मैं तो चाचा। अरे लाओ शरबत लेके आती हूँ। नहीं नहीं शरबत की जरूरत नहीं भैया। और सुनाओ चाचा सब ठीक? लो आ गया। शुक्रिया। आजा 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 ले आ सोचन। बैठ जा बैठ। वाह चाचा हमें तो आशीर्वाद ही नहीं दिया तुमने। अरे शुक्र रहो बेटा शुक्र रहो। और ये भी शरबत तुम्हें जब भी जाएगी जब तुम इसको आशीर्वाद दोगे कि तू तो ना हो पू तो फले। अच्छा अरे चाचा इसकी बात तुम्हें मत ना ये तो यूं ही कहता रहेगा। अच्छा तुम दूधो ना हो पू तो फलो। लो चाचा। अरे मेरे छोटे आओ आओ आ जा 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 जा। और चाचा गाँव में सब ठीक है ना? सच पूछो तो बापू मैं तो तुम्हें अचानक देखते हैरान ही रह गया था। न चिट्ठी न पत्री एकाएक चले आए। गांव में तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ। क्या बात है बापू तुम कुछ बताते क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं। कुछ बात जरूर है। अरे ये हरिया से तो अपनी घर की सी बात है इनसे क्या छुपाना तुम बोलो तो सही। अरे नहीं अरे गंगा हाँ। मुझे अपने फैक्ट्री के सुपरवाइजर साहब के पास जाना है। आजकल फैक्ट्री के मजदूरों में जरा हलचल है ना। अभी चाचा शाम को करेंगे बात ढेर से। अच्छा गंगा हाँ। मैं चला सुपरवाइजर साहब के घर। ठीक है शाम को करेंगे जा ढेर सी बातें। भैया साहब हैं क्या घर में? नहीं साहब तो नहीं है। अब मिलने आए रहे थे कुछ लोग उन्हीं के साथ चले गए। भैया कब तक आएंगे साहब? कुछ बता गए हैं क्या? नहीं कुछ बताया तो नहीं है पर आओ बैठ लिया कुछ देर इंतजार कर लिया क्या पता आए। नहीं नहीं भैया मैं चलूंगा। अरे सुना पानी तो पिया जा आज तो छुट्टियां रहे ना। अब आओ बैठ बैठ। अच्छा भैया चलो भैया। बैठो 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 पानी पी बे बैठो हम लाओ था पानी। कौन है वो? माजी आप यहाँ? आप अंदर जाइए माजी। कुछ चाहिए का? नहीं 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 कमरे में बैठे बैठे ची घबरा गया इसलिए आ गया यहाँ। अभी चले जाऊंगी। आप अंदर जाए माजी। साहिब को पता चल गया तो हमें तो छुट्टी मिलेगा। माजी कौन चीज की जरूरत पड़ जाए तो हमें बता देवे हम पहुंचेंगे। नहीं रे बोलू मुझे कुछ नहीं चाहिए पर मुझसे बात करने वाला तो वो ना। सारा दिन कमरे में पड़े पड़े डर लगने लगा तुम्हें। माजी आप अंदर जाए माजी हम अभी रहे। पानी वो जो आवत है वो साहिब की माजी है। लेकिन भाई है तुम उनको बार बार अंदर जाने क्यों कह रहे थे भैया? का कहें भैया साहिब को तनको पसंद नहीं कि माजी बाहर आए या किसी आए वाले से भेंट करे ओके साथ बात करे। माजी बिचारी बहुत सीधी है पर पता नहीं साहिब की का दुश्मनी है माजी के साथ। बाप बाप पे फिटकार देते हैं ओके बुढ़ापे पे शर्म आवत है लगे। अरे भैया अब का कहे वो बिचारी कोठरी में दिन रात पड़ी रहते हैं। हमसे जो बन सकत है सेवा कर देते पर हम भी तो कुछ बोल नहीं सकत इसमें। लो बीड़ी ले हो। नहीं भैया हम बीड़ी नहीं पीते हैं। अरे भैया पानी तो पिया जा। नहीं भैया नहीं। आज सुने हैं कि जगह जगह वो का कहते हैं वो संस्था बनी है वो बुढ़ाओ के देखभाल करे वो बीमार को ये दवाई इलाज ये सब करत है। अजबे है ये दुनिया भैया
इस संस्थाएं पर आई जो कुछ भी करत है वो घर वाले नहीं कर सके। अरे भैया, जो जो उम्र ज्यादा होता है ना तो आदमी को घर की जरूरत ज्यादा होती है। हम चलते हैं भैया। अरे पानी तो पिया जा भैया। ना भैया ना, थोड़ा देर इंतजार कर लिया, क्या पता साहिब से दीदार हो जाए। ना हम बोले ना ना, हमें पता चल गया जो अपने माँ बाप के साथ ठीक ना करे वो हम मजदूरों का भला क्या करेगा, हमारा ठीक क्या करेगा। राम राम भैया, हम सब समझ गए। राम राम। सुबह बात करता हूँ बापू से। बात क्या करनी है, एक बार फैसला कर लो बस। अड़ जाओगे तो बापू अपने आप मान जाएंगे, और फिर जेठ जी भी तो यही चाहते हैं। हाँ हाँ, वैसे किशन भैया अपनी जमीन बेचे या ना बेचे हमें क्या, एक बार जमीन का बंटवारा हुआ नहीं कि मैंने जमीन का सौदा निपटाया नहीं। और क्या, आखिर धरा ही क्या है इस गांव में। सोचन, ये तो क्या कह रहा है। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ बापू। एक बात पूछूं बेटे। बोलो। ये जमीन तो तुम बेच दोगे, लेकिन इस बुढ़े को कहाँ बेचोगे। ऐसी बातें कर रहे हो बापू, तुम्हारी जहाँ मर्जी आए रहो, किशन भैया के पास नहीं तो हमारे पास रहो, जो भी बन पड़ेगा हम तुम्हारी सेवा करेंगे। रहने दे, बंटवारे पर तुलना यही क्या कम है। जानता है बंटवारे के नाम पे मेरा कलेजा कटता है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बापू, फिर अभी कौन सा सब कुछ तय हो गया है। दो चार दिन आराम से रहो, देखा जाएगा। छोटू छोटू मेरा बेटा, छोटू छोटू। क्या जमाना आ गया है, आजकल लोग बड़े बूढ़ों की इज्जत ही नहीं करते, ये भूल जाते हैं एक दिन इन सबको बूढ़ा होना है। बापू बापू। अरे सोचन, क्या बात है, इतना परेशान क्यों है। कुछ मत पूछो हरिया भैया, अपना छोटू पेड़ पर चढ़ा था, एक डाल से नीचे गिर गया। अरे मैं तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले गया। हा? उसने बताया कि पैर की हड्डी टूट गई है। छोटू के पैर की हड्डी टूट गई। छोटू डॉक्टर की दुकान। तूने उसे अकेले क्यों भेजा था। वो डॉक्टर की दुकान पर है, बहू भी वही है, इलाज के लिए पैसे की जरूरत है और मेरी जेब में तो बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे कैसी बात करता है बेटा, ये बुढ़िया भी जिंदा है, मैं दूंगा पैसे, आ मेरे साथ। कहा, अरे तेरी झोपड़ी में, और कहा, आ चल मेरे साथ। सोचन ले बेटे, संभाल ले, देख रुपए की चिंता मत करना, छोटू का ठीक से इलाज करवा। बापू ये इतने रुपए, ये मेरे जीवन की पूंजी है बेटे। पहले तो मैंने सोचा था छोड़ दूंगा मोह माया, चला जाऊंगा तीर्थ यात्रा पे, लेकिन अब जबकि मेरा पोता खाट पे पड़ा हो, मेरा बेटा परेशान हो, मैं तीर्थ यात्रा पे चला जाऊंगा, ये कैसे हो सकता है। बेटे मेरी तो दुनिया मेरी औलाद में ही है। जा और देख, इलाज में कमी नहीं करना, और रुपए की जरूरत पड़ी तो गांव में जमीन बेच दूंगा। हाँ तू हौसला रख, हिम्मत रख, है मेरा दिल कहता है छोटू कुछ नहीं होगा। बापू बापू। अरे अरे अरे, ये क्या, हाँ पगला। बापू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं बापू, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मुझे मेरी दुनिया मिल गई, मेरे सामने मेरे बच्चे हंसते खेलते रहे, और मुझे क्या चाहिए। अच्छा जा जा बेटे, जल्दी जा। अच्छा बापू। हाँ खैर सोचन, मैं भी चलता हूँ, पहले गंगा से थोड़े से पैसे ले लें, पहुंच जाना जरूरत ही पड़ जाए। चल आ जा। हरे का भी जवाब नहीं है। मैं तो सोचता हूँ ये आदमी है कि देवता, हरे का दुखी में दुखी। वाह वाह वाह, सच्ची बात तो ये अपना है। सच्ची बात तो ये है कि जब से इस बस्ती में हरिया आया, कुछ ना कुछ बस्ती वालों के लिए करता है। लेकिन मैं तो यही राय दूंगा, हरिया इतना अच्छा आदमी है, उसे ही चुनो। अपनी बस्ती अपने लोग, अपनी गलियां अपने रास्ते, अपना चैन है अपने दुख सुख,
अपना चैन है, अपने दुख सुख अपने हैं समान।